आपने भगवान और उनके भक्तों की कहानियों के बारे में तो खूब सुना होगा, लेकिन इन सभी कथाओं में जब किसी भक्त का जिक्र आया होगा तो आपके मन में हमेशा ही एक व्यक्ति या ये कहूँ कि किसी मानव शरीरधारी की छवि की कल्पना की होगी, क्योंकि कभी भी धर्म में भगवान की पूजा अर्चना करते हुए अक्सर इंसानों को ही देखा जाता है। लेकिन आज हम आपको ऐसे भक्त के बारे में बताएंगे जो है तो भगवान का भक्त लेकिन वो इंसान नहीं है। अरे क्या हुआ, आप भी चौंक गए ना? लेकिन आपने सही सुना, वो इंसान नहीं, असल में एक जानवर है। वो जानवर जो भगवान की कथा सुनने के लिए रोज समय से कथा पंडाल में आता है और बिना किसी को कोई नुकसान पहुंचाए सबसे आगे बैठकर कथा सुनता है और कथा के समाप्त होते ही शांति के साथ पंडाल से वापस चला जाता है। बात है मध्य प्रदेश के सागर जिले की। सागर जिले में हो रही रामकथा की एक तस्वीर सामने आई है। इस तस्वीर को देखकर हर कोई हैरान है और हर किसी को सोचने पर विवश कर रही है। ये तस्वीर है रामकथा के पंडाल की, जहाँ कथावाचक के ठीक सामने एक काला रंग का कुत्ता श्रद्धालुओं में सबसे आगे बैठा दिखाई दे रहा है। दरअसल सागर शहर के धर्मदास बाबा मंदिर परिसर में 9 दिवसीय श्री रामचरितमानस का कथा का आयोजन किया गया है। कथा में काशी से आए विद्वानों के द्वारा रोजाना शाम के समय श्री रामचरितमानस का पाठ श्रद्धालुओं को सुनाया जाता है। रामकथा को सुनने के लिए आसपास के इलाके के लोग आते हैं और उन्हीं के साथ आता है इसी इलाके में रहने वाला एक काले रंग का कुत्ता। पंडाल में मौजूद श्रद्धालुओं कुत्ते की भक्ति देखकर आश्चर्य में हैं। ये कुत्ता रामकथा शुरू होने पर कथा में आता है और सबसे आगे बैठकर रामकथा सुनता है और इसके बाद शांति से चला जाता है। कथा सुनने आए श्रद्धालु बताते हैं कि जब से रामकथा शुरू हुई है पहले दिन से ही ये कुत्ता कथा पंडाल में बैठकर राम नाम का श्रवण कर रहा है। रात में जैसे ही कथा को सुनने के लिए कथावाचक व्यास गद्दी पर विराजते हैं और ढोलक हारमोनियम बजा बजा कर भगवान का आह्वान करते हैं तो मोहल्ले के लोग कथा सुनने के लिए आने लगते हैं और उनके साथ में यह कुत्ता भी आ जाता है। पंडाल में बैठे लोगों का मानना है कि ये कोई पिछले जन्म का भगवान का भक्त ही है, तभी तो इनकी रुचि भगवान की कथा में है। वही इलाके के लोगों का कहना है कि यह कुत्ता धार्मिक प्रवृत्ति का है, इसमें धार्मिक गुण है। यह बाबा का चेला बनकर केवल इसी मंदिर परिसर में घूमता रहता है, इसके अलावा किसी भी गंदी चीज का सेवन नहीं करता। अगर मंदिर में आने वाले श्रद्धालु बिस्किट या अन्य चीज खिला दे तो खा लेता है। उन्होंने आगे बताया कि ये कुत्ता हमेशा गर्म रोटी ही खाता है, मोहल्ले के लोग इसकी ये आदत जानते हैं इसलिए इसे गर्म रोटी ही देते हैं। कई लोगों का मानना है कि ये कुत्ता धर्मदास बाबा का चेला है। वही काशी से कथा कहने आए पंडितों ने बताया कि काला कुत्ता भैरव बाबा की सवारी होता है। हिंदू धर्म में कुत्ते को तेज बुद्धि वाला प्राणी माना गया है। कहा जाता है कि कुत्ते को खाना खिलाने से काल भैरव खुश होते हैं। कुत्ते को पास रखने से मनुष्य आकस्मिक मृत्यु से बच जाता है। बुरी आत्माएं कभी भी कुत्ते के पास नहीं फटकती है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि ज्योतिष शास्त्र में कुत्ते को शनि और केतु का प्रतीक भी माना जाता है। कुत्ते की सेवा करने और खाना खिलाने से इन दोनों ग्रहों के बुरे प्रभाव से बचा जा सकता है। जो लोग कुत्ते को खाना खिलाते हैं उनसे शनि देव प्रसन्न रहते हैं। पितृ शांति के लिए भी कुत्ते को मीठी रोटी खिलानी चाहिए। कुत्ते को रोजाना रोटी खिलाने से हर तरह का संकट दूर होता है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में काल सर्प योग हो तो उस व्यक्ति को घर में काले कुत्ते को पालने की सलाह दी जाती है। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि कुत्ता अपने मालिक पर आने वाले संकट अपने ऊपर ले लेता है। सुबह शाम काले कुत्ते को रोटी देने से कर्ज से मुक्ति मिलती है। पंडितों ने कहा कि यह कुत्ता इस रूप में है इसलिए मंदिर परिसर में ही रहता है और जब कथा होती है तो सुनने के लिए पंडाल में आ जाता है।